दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे नियमित अपडेट्स पाने के लिए प्रेस करें इस बेल बटन को, जिससे आपको हमारे सभी नियमित अपडेट्स मिलते रहें बिल्कुल मुफ्त में। जय माता दी। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बजरंगबली एक ऐसे देवता हैं जिनको चिरंजीवी कहा जाता है, यानी कि जो कलयुग में भी मौजूद हैं। काफी लोग जो हनुमान जी के भक्त हैं, वह मंगलवार के दिन या तो व्रत रखते हैं या फिर प्रसाद बांटते हैं, जिससे उनके जीवन में सुख शांति बनी रहे। और जो लोग हनुमान जी के भक्त होते हैं, वह अपनी ही मस्ती में रहने वाले लोग होते हैं। बल, बुद्धि और विद्या तीनों ही उनमें आसानी से दिख जाता है। हनुमान जी के भक्त बहुत ही नियम से रहते हैं, खुद ही उनमें अपने आप ही एक नियम सा बन जाता है, जिससे वह हर चीज को काफी अच्छी तरह से समझना शुरू कर देते हैं। बल्कि जो लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ते रहते हैं, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी उनको होती रहती है या फिर गलत संगति में पड़ जाते हैं, जिसके कारण उन्हें नुकसान होता है, ऐसे लोगों को हनुमान जी की पूजा जरूर ही करनी चाहिए। जो बच्चे बचपन से ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वह कभी भी बुरी संगत में नहीं पड़ते हैं और हमेशा ही अपने नियम से रहने वाले बन जाते हैं। हनुमान चालीसा की शक्ति के बारे में तो आप जानते ही हैं, हमने अपने काफी वीडियोस में पहले भी बताया है किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है कोई भी परेशानी के लिए और किस प्रकार यह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली प्रभाव दिखाती है। हनुमान चालीसा का जाप अगर आप रोज रात को सोते समय करते हैं, तो इससे निश्चित ही आप डिप्रेशन से, टेंशन से बाहर आते हैं। जो लोग टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, उनको आज से ही सोते समय हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे वह आसानी से डिप्रेशन से बाहर निकल सके। या फिर जो लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, मन में बहुत ज्यादा बेचैनी बनी रहती है, रात को सही से नहीं सो पाते हैं, तो जरूर हनुमान चालीसा का पाठ कर सोया करें। एक चालीसा का पाठ आपको नहीं करना है, कम से कम दो चालीसा का पाठ आपको कर सोना चाहिए। इससे सभी परेशानियां तो खत्म होती ही हैं, साथ ही आपकी ओर पॉजिटिव एनर्जी भी बढ़नी शुरू हो जाती है। अब दोस्तों, काफी लोग हनुमान जी का चित्र रखते हैं, अपने घर में फोटो लगाते हैं या अपनी गाड़ी में लगाते हैं, क्योंकि इनका चित्र लगाने से दुर्घटना की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप किसी वाहन में, गाड़ी में हनुमान जी का चित्र लगाना चाहते हैं, तो आपको इस प्रकार का चित्र लगाना चाहिए जिसमें वह पहाड़ उठाते हुए नजर आते हैं। ऐसा चित्र लगाने से कभी भी दुर्घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ता है और साथ ही आप मंगल के दोष से भी दूर रहते हैं। जो लोग आए दिन चोट का सामना करते रहते हैं, उनके साथ आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, उनको भी अपने पास इस प्रकार का चित्र रखना चाहिए जिसमें हनुमान जी पहाड़ लेकर नजर आते हैं। इस प्रकार का चित्र रखने से दुर्घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होती हैं। और जो लोग अपने घर में या व्यापार स्थल में फोटो लगाते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हनुमान जी का फोटो आपको बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और आपको यही फोटो बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए। बल्कि किसी भी भगवान की फोटो आपको अपने बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए, सिर्फ राधा और कृष्णा की फोटो ही आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। अब दोस्तों, दिशा के लिए आपको हनुमान जी की फोटो इस प्रकार लगानी चाहिए कि जिससे उनका चेहरा दक्षिण दिशा की ओर देखता हुआ रहना चाहिए। ऐसी फोटो लगाने से यह बहुत जल्दी असर दिखाने वाली हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी ने अपना प्रभाव सबसे ज्यादा दक्षिण दिशा में दिखाया है। जैसे कि लंका या फिर सीता माता को ढूंढना, यह सभी कुछ दक्षिण दिशा से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हनुमान जी भी विशेष बलशाली दक्षिण दिशा में होते हैं। और अगर यही फोटो आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर लगाते हैं, यानी कि हनुमान जी का फोटो आपको उत्तर दिशा में चिपकाना है, जिससे उनका चेहरा हमेशा दक्षिण दिशा की ओर देखता हुआ रहना चाहिए। यह आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, पूजा स्थान में लगा सकते हैं, व्यापार स्थल में लगा सकते हैं। इससे किसी भी तरह की बुरी ताकत आपके घर में प्रवेश कभी भी नहीं कर पाती है। सभी तरह की नेगेटिव एनर्जीज दूर रहती हैं और आपके घर में सुख और शांति बनी रहती है। जिन लोगों के घरों में आए दिन लड़ाई झगड़ा, ग्रह कलेश बहुत ज्यादा होता है, उनको जरूर ही उत्तर दिशा में हनुमान जी का चित्र लगाना चाहिए, जिससे उनका चेहरा हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इस प्रकार की तस्वीर बेहद शक्तिशाली मानी जाती है और यह अत्यंत सुख और समृद्धि को बढ़ाने वाली मानी जाती है। बल्कि जिन घरों में इस प्रकार तस्वीर लगाई जाती है, वहाँ पर कभी भी बुरी नजर, बुरी शक्तियाँ, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाती है। तो जरूर दोस्तों, हनुमान जी की इस प्रकार की फोटो अपने घर में लगाया करें। आशा करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं या आप चाहते हैं हम आपके लिए वीडियो बनाए, तो दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन के पास बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी जानकारी सही समय पर सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।